वो सुएलाजार फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज्जज़ सामईन व नाज़रीन, नूर रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान मोहम्मद अय्यूब अवान हाज़िर ख़िदमत है। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और इस मौका पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का उनवान तसव्वुफ़ और औलिया नक्शबंद के कुछ अहवाल। इस खूबसूरत उनवान पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमने आज मदु किया है साहबजादा पीर मोहम्मद अल्लाह दिता नक्शबंदी साहेब, जो कि तसव्वुफ़ पर एक कामिल महारत रखते हैं। इसको पढ़ने में और इसकी तरवीज व इशात में आपकी खिदमात हैं और जामिया कादरिया रिज़विया के होनहार फाजिलीन में से आपका शुमार होता है और उसके साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं गवर्नर पंजाब पाकिस्तान से और उसके साथ साथ एमफिल भी आप मुकम्मल कर चुके हैं और पीएचडी की तालीम आपकी जारी है और फैसलाबाद में गट वाला पर आस्ताना अलिया सूफी जी सरकार के आप गद्दी नशीन हैं और वहाँ पर तसव्वुफ़ की तालीमात को आम करने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम साहबजादा साहेब, आज के इस खूबसूरत उनवान पर तसव्वुफ़ यकीनन एक मुश्किल तरीन मौजू भी है और इस मौजू की गहराई बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर औलिया कराम की सारी ज़िंदगियां गुजरी और इसी के तहत औलिया कराम ने हमारे इस खित्ते पर इस्लाम की रोशनी को फैलाया, तो इस वाला से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आप इब्तदाई तौर पर तसव्वुफ़ का पस मंज़र क्या है और इससे मुराद क्या है, यहाँ से अपनी गुफ्तगू आगाज़ करें। तसव्वुफ़ किसको कहते हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है, तसव्वुफ़ की ज़रूरत क्यों कर पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस कदर जो है एक नया मौजू चुना है और यकीनन दौरे हाज़र की बड़ी अहम ज़रूरत है हमारी नस्ल नो की कि उनको तसव्वुफ़ आसान ज़ुबान में आम फहम अल्फाज में बताया जाए। तसव्वुफ़ का लफ्ज़ सुनते ही अमूमन हमारे जहन में इश्काल आते हैं, मुश्किलात आती हैं कि जिस तरह ये टर्म और इस्तलाह बड़ी मुश्किल है तो शायद ये है भी बड़ा मुश्किल और इस पर अमल पैरा होना शायद कोई दीन से हट के कोई ऐसी बात है। तो ये मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आपने ये जो मौजू जो है वो मुझे दिया है बोलने के लिए। तो किबला, सबसे पहले मैं एक शिकवे का इजहार करना चाहता हूँ कि ये ऐसा मौजू है जिस पे हर दो तरफ से मजालिम जो है वो डाए गए हैं। अल्लाह अल्लाह। और वो मजालिम इस कदर इस तसव्वुफ के तसव्वुर पे और सूफिया के तसव्वुर पे डाए गए हर दो तरफ से कि दौरे हाजर में इसका असल चेहरा जो है वो गर्द आलूद हो गया और उसके गर्द आलूद होने की वजह से तरह तरह के अब एतराज़ात उठते हैं गैरों की तरफ से जी। तो ये दो जो मजालिम डाए गए, एक तो गैरों की तरफ से जी, गैरों की तरफ से वो हैं जो औलिया को मानते ही नहीं हैं, जो तसव्वुफ़ को या सूफी इज़्म को मानते नहीं हैं और अपनी कम इल्मी की वजह से, अपने मुगालतों की वजह से, कम फहमी की वजह से कई ऐसे इल्ज़ामात उन्होंने अहले तसव्वुफ़ पे लगाए जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जुल्म जो अपनों ने किया वो इससे भी ज़्यादा बढ़ के है, जो औलिया के कायलीन हैं, आमिलीन में से हैं और मुंतसिबीन हैं, मुस्तफिदीन हैं, अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने इस मौजू के साथ तसव्वुफ़ के साथ उनसे भी ज़्यादा बढ़ के जुल्म किया और तसव्वुफ़ की शक्ल दौरे हाज़र में इस कदर बिगाड़ के रख दी है
कि वो यूँ लगता है कि जैसे इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और तसव्वुफ़ आज के दौर में शरीयत और तरीकत को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। बिल्कुल। और तसव्वुफ़ आज के दौर में सिर्फ हम अगर खानकाहों पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें रसूम और रवाज नज़र आते हैं, तसव्वुफ़ के रूह नज़र नहीं आते। तो अगर तसव्वुफ़ की इस्तलाह की बात की जाए तो बाज़ सूफिया ने कहा है कि ये लफ्ज़ सफ़ उससे मुश्तक है, और सफ़ जो है वो अल्लाह सूफिया यानी रूहों को, अपनी रूहों को इस कदर पकीज़ा बनाते हैं कि वो अल्लाह ताला के हजूर सफ़े अव्वल में जगह बना लेते हैं। माशाल्लाह। तो इस वजह से वो कहते हैं ये जो तसव्वुफ़ का लफ्ज़ है ये सफ़ से निकला। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर एक और कौल भी है, और वो ये है कि सूफ़ा कदीम ज़माने में एक जमात थी। जी। सूफ़ा के मतलब है यकसुई। जी सही। और ये ज़माने कदीम में एक ऐसी जमात थी जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना जो है वो अल्लाह ताला के घर को बना लिया था, हरम काबा को बना लिया था। जी सही। और उसका कुछ पस मंज़र ये है कि उसकी जो वालिदा थी गौस बिन उमर की, तो वो बे औलाद थी, उसने मक्का में खाना काबा में ये मन्नत मांगे कि अगर अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए तो मैं उसको यहीं पे सफाई सुथराई के लिए हमेशा के लिए उसको छोड़ दूंगी, वक्फ कर दूंगी। तो जब वो बेटा हुआ तो उसको वक्फ कर दिया गया, और उसने एक ऐसी जमात तश्कील दी जो वहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की बस खिदमत करते थे और खाना काबा में रहते थे और हर वक्त अल्लाह की इबादत में यकसुई के साथ पड़े रहते थे। जी। तो बाज़ सूफिया का ये ख्याल है कि ये तसव्वुफ़ की टर्म जो है वो सूफा से निकली है, वो जो जमात थी। जी सही। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं जो समझता हूँ, जिसको मैं जिसका कायल और राजे कौल है, वो हज़रत बिशरे हाफ़ी तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल सही। उनका कौल है, वो कहते हैं तसव्वुफ़ सफ़ा से निकला। जी। और सफ़ा का मतलब है अल्लाह के लिए अपने दिल को पाक करना। जी बेशक। इसी नज़रिए के कायल हज़रत दाता गंज बख्श हैं कि तसव्वुफ़ सफ़ा से निकला है, उन्होंने कशफुल महजूम में इसकी तायीद की है। सही। और इसी नज़रिए के कायल हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आज़म सरकार है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औलिया भी इसी नज़रिए के कायल थे, और मैं भी इसी को कहता हूँ कि ये ज़्यादा अथेंटिक दलील है कि ये लफ्ज़ जो है वो सफ़ा से निकला है, जिसके मतलब हैं अल्लाह ताला के लिए अपने दिल को पकीज़ा कर देना। अगर हम देखें तो तसव्वुफ़ असल में एहसान के मुतबादल दूसरा नाम है। एहसान के मुतबादल। अहदीस में और कुरान पाक में एहसान का लफ्ज़ हमें मिलता है। जी। तो ये एहसान का दूसरा नाम तसव्वुफ़ है। बिल्कुल सही। तो अगर दीन की इमारत को देखा जाए तो दीन की इमारत तीन सतूनों पे खड़ी है। जी। सबसे पहला ईमान, उसके बाद अमल, और उसके बाद जो है वो इखलास। सही। ईमान का ताल्लुक अकीदे के साथ है। जी। अकीदा हमारा शकों को शुबहात का शिकार हो गया और हम मुगालतों के भीड़ चढ़ गए। बिल्कुल। फिर अगला लम्हा था, अगला सतून था अमल का। जी। अगर अमल की बात की जाए हजरत, तो अमल भी ज़माना हुआ, रुख्सत हो गया, और अमल वाले भी रुख्सत हो गए, और आज तलाश बसियार के बाद भी हमें कहीं अमल नज़र नहीं आता। कोई निशान बाकी है लेकिन अमल नहीं नज़र आता। और उससे अगला दर्जा था इखलास या एहसान। जी। तो वो औलिया जो ईमान मुकम्मल करने के बाद इखलास, उसमें अमल पैरा होने के बाद उसमें इखलास जो है उसकी छाप लगाते थे। जी। वो अमल भी रुख्सत होने की वजह से और जो इखलास था वो भी रुख्सत होने की वजह से अब हमारे अंदर सिर्फ रियाकारी बच गई। बिल्कुल। और जब रियाकारी बच गई तो दौरे हाजर में हम नाकिस ईमान लिए फिरते हैं और हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी आ गई है। हर मुसलमान को लगता है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे वो मज़ा नहीं आता, वो खुशू सुकून नहीं है, वो तस्कीन नहीं है। हम रोज़ा रखते हैं, मुंह को बांध लेते हैं, लेकिन वो जो रूह को पकीज़गी हासिल होनी थी, जिस नमाज ने हमें बुरे काम और बेहयाई से रोकना था, वो क्यों नहीं रोक रही आज? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इखलास ख़त्म हो गया। जी। तो इकबाल ने इसी बारे में कहा था, शबे पेशे खुदा बगरे समझार, मुसलमाना चुरा जारंद व खारंद, निदा आमद नमी दानी कहीं को, दिले दारंद व महबूबे नदारंद।
तो इकबाल ने कहा था कि एक रात में अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर बड़ा रोया और अर्ज़ किया है परवरदिगार हर जगह मुसलमान ही क्यों जलील और रुसवा हो रहे हैं। तो गैब से आवाज़ आई कि इकबाल इसका जवाब तुझे नहीं मालूम, इस वजह से जलील हो रहे हैं कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ दिया। अब ये अपने अंदर दिल तो रखते हैं लेकिन दिल के अंदर महबूब खुदा नहीं रखते। अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम तसव्वुफ़ के इस खूबसूरत उनवान को आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इंतहाई गहरा मौजू और इस मौजू के अंदर छुपी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसके कुछ अहवाल आप हवाब के साथ हम जिक्र करेंगे। साहबजादा साहब, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए तसव्वुफ़ के क्या मानी हैं, कुरान और सुन्नत में तसव्वुफ़ को कैसे बयान किया गया, इस पर भी आप रोशनी डालें। जी हज़रत, मैं बड़े आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन की आसानी के लिए एक हदीस को यहाँ पे कोड करना चाहता हूँ कि आप के माशाल्लाह इल्म में हैं कि तसव्वुफ़ अहदीस और कुरान में अगर हम देखें तो इसके लिए हमें जो मुतबादल लफ्ज़ मिलता है वो एहसान है। इसको हम हदीस से कैसे साबित कर सकते हैं? जी, एक उलमा इकराम जानते हैं कि बड़ी मशहूर हदीस है जिसको हदीस जिब्रील भी कहा जाता है। जी ऐसे ही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे एक सफ़ेद लिबास वाला और ब्लै उसके काले स्याह बाल, चमकदार बाल और लिबास भी चमक रहा था। वो शख्स ने अंदर आने की इजाज़त तलब की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम देख के हैरान हो गए कि लिबास और अपनी वजा कता से ये मुसाफिर नहीं लगता, इसके चेहरे पे कोई गर्द नहीं है, लिबास पे कोई गर्द नहीं है, बालों में कोई गर्द नहीं है और बड़ा रोशन चेहरा है, खूबसूरत चेहरा है। और वो आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने जोड़ के बैठ गया। सही। तो नबी पाक भी दोजानों होकर बैठ गए और उसने आके पहला सवाल किया, हज़रत मैं आपसे कोई सवाल करना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लम ने फरमाया जी, उन्होंने पहला सवाल किया उस शख्स ने कि हजूर मुझे खबर दीजिए ईमान क्या है। मल ईमान। जी ईमान क्या है? ईमान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला की वहदानियत पे ईमान रखना और रसालत पे ईमान लाना, फरिश्तों पे ईमान लाना और आसमानी कुतब पे ईमान लाना, रोज़े क़यामत पे और तकदीर के अच्छे बुरे होने पे। जी। तो उसने कहा सदकता, खुद ही सवाल किया और तस्दीक भी, और खुद ही तस्दीक भी कर रहा है। तो सहाबा इकराम कहते हैं कि हम बड़ा हैरान हुए कि ये अच्छा साहिल है, साहिल है या ये साहिल है जो खुद ही जवाब भी जानता है शायद और कहता है कि आपने सच कहा। जी जी। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि हजरत इस्लाम क्या है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक समझना, उसका कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उसके बाद नमाज फ़र्ज़ है, नमाज की पाबंदी करना, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े की पाबंदी करना, ज़कात की पाबंदी करना, और अगर तुम साबे इस्तेतात हो तो फिर हज भी अदा करना और ज़कात का ताल्लुक भी इस्तेतात के साथ है। तो उसने फिर कहा सदकता, आप सच कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हम फिर बड़े हैरान हुए। तीसरा सवाल उसने किया एहसान क्या है, जो असल हमारा मौजू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि जब तुम इबादत करते हो, इस तरह इबादत करते हो, तुम्हारी कैफियत ये हो जाए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। सुभान अल्लाह। और तुम्हारे वो दरमियान जो सारे हिजाबात हैं वो उठ जाएं, तुम जब सजदा रेज हो तो मस्जूद को देखो। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो फिर कम अज़ कम ये कैफियत होनी चाहिए कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। इसको एहसान कहा गया और यही तसव्वुफ़ का दूसरा नाम है, यही तरीक़त का नाम है, इसी को मारिफत कहते हैं, इसी को तज़किया नफ्स कहते हैं, इसी को कैथारसिस कहते हैं, इसी को तस्फिया बातिन कहते हैं। सुभान। ये जितनी भी तसव्वुफ़ की टर्मिनोलॉजी है, इस्तलाहात हैं, वो असल में एहसान के ही मुतबादल नाम है। तो जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद क़यामत के बारे में सवाल किया और निशानियाँ और वो चले गए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा आप जानते हैं ये कौन था? तो हज़रत उमर और दीगर सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो जिसके बारे में जानते भी होते थे उसके बारे में भी यही कहते थे अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। तो इसके बारे में तो खैर वो जानते भी नहीं थे। तो आपने फरमाया ये आने वाला साहिल कोई और नहीं था बल्कि जबरील अमी थे और ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। हजरत, अब यहाँ पे मैं दुखती रग पे हाथ रखना चाहता हूँ कि आज हमने जैसा भी ईमान थोड़ा बहुत हमारे अंदर मौजूद है जी,
फिर अमल की अगर बात की जाए, दूसरा जो स्टेप था इस्लाम अमल, नमाज रोज़ा दिखावे का करते हैं, बेरूह करते हैं, रूह के बगैर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो है, लेकिन हमने एहसान को पसे पुश्त डाल दिया जी। वो कैफियत कहाँ से मिलेगी हमें? वो एहसान तसव्वुफ था, वो औलिया ने प्रैक्टिस की, और औलिया ने वो दिलों की ज़मीन को इस कदर पकीज़ा किया कि वो अपने अल्लाह ताला के साथ इस कदर मुखलिस हो गए, इखलास के साथ हो गए, कि जो जब वो सजदा करते थे और उनकी कैफियत दिल की ये होती थी कि हर वक्त खशियत इलाही के साथ उनका दिल जो है वो लरजता था, वो इबादत करते थे तो अल्लाह ताला को अपने सामने पाते थे। और उनका तकवा और परहेज़गारी अगर देखा जाए, उनके मामलात देखे जाएँ, तो वो एहसान की बदौलत और इखलास जो उसका दूसरा नाम है उसकी बदौलत था। आज हमारे अंदर कमी इस वजह से है कि हमने पहले दो जो स्तून हैं उनको तो फिर भी कुछ ना कुछ पकड़ा है, वैसे कामलियत के साथ तो नहीं पकड़ा हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ उसको पकड़ा है, लेकिन जो एहसान वाला स्तून था उसको यकसर हमने छोड़ दिया, जिस पर हमें आज औलिया कराम के तसव्वुफ़ और इसके बारे में असर नो मुताले की भी ज़रूरत है और इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है जी। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जल्द आपकी खिदमत में दोबारा यहीं से हाजिर होंगे। वो सुए लाज़ार फिर जी। वेलकम बैक मोज़ेज़ नाज़रीन, आज 20 रमज़ान मुबारक के मौके पे हम आपके साथ तसव्वुफ़ और औलिया नक्शबंद के कुछ अहवाल ज़िक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन औलिया नक्शबंद का हमने आज तज़किरा करना है, उनके अस्माए गिरामी कुछ यूँ हैं कि आस्ताना आलिया शरफ़पुर शरीफ से, आस्ताना आलिया शरफ़पुर शरीफ से हुजूर शेर रबानी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफ़पुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, औलिया नक्शबंद का एक बहुत बड़ा नाम है और तसव्वुफ़ की दुनिया में आपकी बेपनाह खिदमात हैं। हम आपका कुछ ज़िक्र खैर करेंगे और उसके साथ साथ गंजे करम हज़रत पीर सैयद इस्माइल शाह साहेब बुखारी आस्ताना आलिया हज़रत करमावाला शरीफ औकाड़ा में आपकी तसव्वुफ़ के हवाले से बेपनाह खिदमात हैं, और वहीं से फैज़ याफ्ता हमारे आज के मेहमान ग्रामी हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद अल्लाह दिता नक्शबंदी साहब के वालदे ग्रामी हज़रत सूफ़ी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी रहमतुल्लाही ताला अलैह, जो कि आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ से फैज़ याफ्ता थे और सिलसिले नक्शबंद के बुज़ुर्गों में आपका शुमार होता है। इन शख्सियात का हम कुछ ज़िक्र खैर करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी हज़रत, आपने तसव्वुफ़ की इब्तदाई जो गुफ्तगू थी वो इरशाद फरमाई, तसव्वुफ़ की तारीफ़ और तसव्वुफ़ की हकीकत। अब आगे हम सिलसिले नक्शबंद के ये जो तीन बुज़ुर्ग मैंने ज़िक्र किए, इनकी शख्सियात और इनकी ज़ात से जुड़े हुए जो वाक़यात हैं, जो आपकी तसव्वुफ़ के लिए खिदमात हैं, उनका ज़िक्र खैर फरमाएं। जी बेशक, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अलामा इकबाल के रूहानी मुर्शिद हैं और अजीम फ़लसफ़ी भी थे अपने दौर के, उनके अशार से मैं इसका आगाज़ करूंगा और फिर हज़रत के हवाले से मैं कुछ आपके अहवाल व आसार के बारे में आपको बताता हूँ जी। आप फरमाते हैं, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीन दर हजूर औलिया, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साला तात बेरिया, के इनकी औलिया के सोहबत में बैठ के हमें वो फ्यूज़ो बरकात और वो उलूम हासिल हो जाते हैं जो हम किताबों से हासिल नहीं कर सकते, और हमें उन इबादात और उन हमायूं लम्हों का सवाब जो है वो नसीब होता है
कि जो ऐसी इबादत जो रियाकारी से भी पाक हो और हज़ार साला ऐसी इबादत उसके करने से वो कहते हैं ज़्यादा बेहतर ये है कि किसी अल्लाह वाले की सोबत अख्तियार कर लो। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि औलिया अल्लाह और सूफिया के नज़दीक सोहबत जो है वो किस कदर अहमियत की हामिल है। बिल्कुल, क्योंकि जो सोहबत है असल फैज़ सोहबत से उसका रंग जो है वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि एहसान जो हमारे अंदर से ख़त्म हो गया वो एहसान औलिया की सोहबत अख्तियार करने से हमारे अंदर वो वस्फ पैदा होगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले हज़रत मियाँ शेर रबानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप बर्रे सगीर पाको हिंद में सिलसिलालिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के हवाले से बहुत बड़ा नाम है तरीकत का। बिल्कुल, और आप फैज़ याफ्ता हैं हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन वली आस्तन आलिया कोटला शरीफ से जी, जो कि सिलसिलालिया नक्शबंदिया की बहुत बड़ी दरगाह है पाकिस्तान के अंदर और मरकज़ की हैसियत रखता है। तो मियाँ शेर रबानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम तालीमात की बात करें तो सबसे पहले आपकी तालीमात में हमें जो अंसर नज़र आता है, आप दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा कसरत बताया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई भी बेली ने जाना मुरीद ने जाना कि हज़रत साहब मुझे कोई वजीफ़ा बता दें, कोई खैर व बरकत के लिए काम नहीं चलता, कोई किसी किस्म का लोग आते हैं मसाइल ले के, तो आपने एक ही वजीफ़ा बताया करना कि बेलिया दुरूद शरीफ पढ़ा करो, और दुरूद शरीफ ही सबसे बड़ा वजीफ़ा है, बल्कि आपके इरशादात में है कि दुरूद शरीफ ही इसमें आज़म है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और इससे बढ़ के कोई वजीफ़ा नहीं है। सुभान अल्लाह, और जो बंदा कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला सारे काम उसके इज्जत माल जान तमाम जो मामलात हैं वो अपने ज़िम्मे ले लेता है। ये हजरत कोई मखसूस दुरूद पाक आप बताया करते थे या हर दुरूद पाक पढ़ने का आप जिक्र करते थे? जो हमारे सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया में ज़्यादा तलकीन की जाती है वह दुरूद खिज़री की जाती है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिही वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिही वसल्लम। तो इस दुरूद शरीफ की आप कसरत किया करते थे खुद भी और कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सिलसिला नक्शबंद के बुजुर्ग हैं वो इस दुरूद पाक को पढ़ने की ज्यादा तलकीन फरमाते थे। माशाल्लाह, और यही वजह थी कि मियाँ शेर रबानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास चोर भी आए, राहजन भी आए, डाकू भी आए, लेकिन जब आपकी सोबत अख्तियार कर ली ऐसा रंग चढ़ गया कि वो तहज्जुद गुजार बन गए, और वो बड़े बड़े अपने वक्त के फकीह और अलामा और बड़े बड़े उलामा में उनका शुमार होने लगा। तो ये मर्दे कलंदर की निगाह थी और आपकी सोबत का फैज़ था, और आप हर आने वाले को एक तो दुरूद शरीफ की कसरत का जो फरमाते थे, और दूसरा आप हर आने वाले से पहला सवाल ये होता था बेलिया लंगर शरीफ कीता है? तो ये लंगर शरीफ की बड़ी हिकमत मैंने देखी आपकी तालीमात में कि आपने आने वाले से किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है, और बस ये देखा कि सफ़र करके आया है और तालिब है कुछ लेने आया। तो बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी खूब अक्कासी की है, आप फरमाते हैं इट खड़क के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो फकीर जो होता है फकीर का ये मिजाज है कि मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार जरा रिपीट कर दें इस शेर को। तो बाबे बुल्ले शाह फरमाते इट खड़क के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। वाह वाह वाह, तो फकीर का ये मिजाज होता है वो बुला बुला के रूह की गजा भी देता है और बदन की गजा भी देता है। सुभान अल्लाह। तो मियां शेर रबानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हाँ हमें ये मिसाल भी मिलती है। तो आप कहीं फैज़ याफ्ता हैं पीर सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी हजरत करमा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे आज के जो हमारे दूसरी शख्सियत है जी जिनका आज हमने तज़किरा करना है, हजरत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी जी। तो एक तो पीर सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी हजरत करमा वाले सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप हमारे वालदे ग्रामी सूफ़ी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर मुर्शिद भी हैं और हमारी नस्बत भी आपके खानवादा के साथ है। तो करमा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह पहले चिश्ती सिलसिला में बैत थे जी, सही है, और इंडिया में फिरोजपुर के साथ एक गाँव था करमों वाला जी, तो वहाँ पर अभी आप सलूक के मनाजिल तय कर रहे थे, तो वो जो चिश्ती सिलसिला में बैत थे उन बुज़ुर्गों का जो है वो विसाल हो गया, तो आपने महसूस किया कि अभी जो है वो तरबियत मज़ीद लेने की ज़रूरत है। तो आपने शेख कामिल की जब तलाश शुरू की तो चलते चलते मियाँ शेर रबानी शरकपुर शरीफ आप हाज़िर हुए, और मियाँ साहब से जब आके नज़र आपके चेहरा अनवर पर नज़र पड़ी शाह साहब की और आते ही कहा हुज़ूर मुझे बैत कर लें।
तो आप मियाँ साहब बेलिया कह के हम हमारे सिलसिला में पुकारते हैं, तो फरमाया बेलिया कितों आए हो? तो आप कहने लगे हजरत कर्मों वाला से। तो फरमाया कर्मों वाला नहीं, उन कर्मा वाला। अब कर्मों वाला नहीं, अब कर्मा वाला, कर्मा वाला। तो फिर आपके शेख कामिल के मुंह से ऐसा वो कर्मा वाला निकला कि पूरे अकवाम आलम पे हजरत कर्मा वाले सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ वो देखने को हमें मिलता है। और आप मियां शेर रब्बानी शरीफ़पुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं, और आपने जिस तरह से फिर इस सिलसिला को आगे बढ़ाया और लोगों के अंदर तसव्वुफ़ की तालीमात, भाईचारे की तालीमात और अख़लाक़े हसना और आली कदार की तालीमात जिस तरह आपने मियां शेर रब्बानी शरीफ़पुरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से पहुँचाई, वो अपनी मिसाल आप हैं। उनमें से एक मिसाल मैं आपको अपनी नाज़रीन को यहाँ पर ज़रूर समातों की नज़र करना चाहता हूँ कि उसके अंदर हमारे लिए बड़ा सबक छुपा हुआ है जी। जब कर्मा वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह इंडिया में थे जी, तो सारी बात है इर्द गिर्द हमसायों में हिंदू सिख और दीगर मजाहिब के लोग भी बसते थे। ऐसे ही है। वो आपकी बड़ी इज्जत किया करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे, और आप भी हत्तुल इम्कान कोशिश किया करते थे और बेलियों को समझाया करते थे कोई ऐसा फेल सरजद ना हो जिससे उनके मज़हब की कोई दिल आज़ारी हो जी। तो उनके मज़हब पे कोई चोट ना आए और उनके दिल आज़ारी हो। तो एक वाकया के ईद के मौका पे, बड़ी ईद के मौका पे, ईद उल अज़हा के मौका पे आप खसूसन बेलियों को तलकीन किया करते थे कि बेलियों हमने कुर्बानी ही करनी है ना, तो हम दुम्बे की कुर्बानी कर लेते हैं, छतरे की कर लेते हैं, बकरे की कर लेते हैं, तो गाय की कुर्बानी से अभी जितना आप करते थे। वाह वाह वाह, क्या बात। तो यहाँ से फ़कीर के अंदाज़ा कीजिए कि वो किस कदर दर्द दिल रखता है अल्लाह, और वो किस कदर दूसरे के अकीदे को रिस्पेक्ट देता है और उसकी दिल आज़ारी के, चूँकि वहाँ पे हिंदू मज़हब के लोग थे, हिंदू मज़हब के लोग थे और उनके जो मजहबी अकायद हैं वो गाय के साथ उनके एसोसिएट हैं जी जी। तो आपने बेलियों को भी मना कर रखा था और ख़ुद भी गाय की कुर्बानी करने से इजतनाब करते थे और कहते थे हमने कुर्बानी करनी है ना, अपना फ़र्जी अदा वाजिब अदा करना है, तो वो आप अपना बकरे के साथ या छतरे के साथ या दुम्बे के साथ कर लिया करते थे। तो यहाँ से हमें मिसाल मिलती है कि औलिया ने किस तरह गैरों के कलूब को अपना मोह लिया और दिलों को मोह लिया और अपना बना लिया। वो कुफार के घर में भी जाके बैठ गए तो उनको भी अपना बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और आपकी तालीमात का असर था, आपके अखलाक करीमा का असर था कि कितने हिंदू सिख जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते थे वो आपके आके दस्ते हक पे बैत हुए, और ना सिर्फ उन्होंने इस्लाम कबूल किया बल्कि वो एक मसलक हक़ा की पहचान बन गए माशाल्लाह। तो ये उनके अखलाक करीमा की वजह से था जी माशाल्लाह। और आगे हमारी तीसरी शख्सियत हैं, आपके वालदे ग्रामी भी हैं और आस्ताना आलिया हजरत सूफी जी सरकार के आप आली नशीन हैं, तो आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी जो तालीमात है इस हवाले से भी आप रोशनी डालें जी। क़िबला आलम हुज़ूर मुंबई करम हज़रत सूफ़ी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह ताला अल मारूफ़ हज़रत सूफ़ी जी सरकार गटवाला शरीफ फैसलाबाद जी। तो आप मादरजात वली थे और आपकी पैदाइश से पहले बेशुमार, चूँकि दादी जान बताती होती थी कि आपके यहाँ बेटा नहीं था, बेटियाँ थी जी। तो आप बेशुमार औलिया अल्लाह के पास गईं कि बेटा हो जाए दुआ के लिए जी। तो एक पीर कश्मीर वाले बड़े मशहूर हुए, तो उन्होंने दुआ दी और कहा कि बेटा होगा और उसका नाम अमीन रखना और वो बड़े आला दर्जे पे फाइज होगा माशाल्लाह। तो दादी जान फरमाया करती थी कि जब हजरत साहब की पैदाइश हुई मेरे बेटे की, तो अल्लाह ताला ने हमारे घर में खैर व बरकत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। आपकी पैदाइश से पहले हालात कुछ तंग दस्ती के थे, लेकिन जैसे ही मेरे बेटे अमीन का घर में आना था कि अल्लाह ताला ने रहमत कर दी और माल में इजाफा हो गया, ज़मीन में इजाफा हो गया और खैर व बरकत के आसार नज़र आने लगे माशाल्लाह। और जैसा कि बेशुमार औलिया की पीर कश्मीर वाले और भी कई औलिया जिनसे दुआएँ करवाई थी, उन्होंने पेशगोई की थी कि आने वाला बच्चा जो है वो विलायत के अजीम मनसब पे फाइज होगा
जी। तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का बचपन से ही हज़रत सूफी जी सरकार जो है वो दीगर बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त सर्फ नहीं किया करते थे, बल्कि बचपन से ही आपके अदात आलिया में ये शामिल था कि मस्जिद में जा के बैठते, जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। और जब आपने कुछ होश संभाला, दीनी दुनियावी तालीम मुकम्मल की, तो मादरजात वली को भी ज़ाहरी बैत की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ा एक अहम नुक्ता है कि हर बंदे को एक रहबर की ज़रूरत है, ज़ाहरी रहबर। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो बेशक मादरजात वली क्यों ना हो। तो आपने बैत के लिए सफ़र शुरू किया, बेशुमार सूफिया के पास हाजिर हुए, लेकिन कहीं से जवाब ये मिलता कि आपका हिस्सा हमारे पास नहीं, कहीं और पड़ा हुआ है, और कहीं से जवाब ये मिलता कि सूफी साहब आपका ज़र्फ ही इतना बड़ा है कि हम आपको बैत नहीं करेंगे, आप किसी बड़े वली कामिल के पास चले जाएं। तो चलते चलते आप हजरत करमावाला शरीफ उकाड़ा के सरजमीन पे पहुंचे, और वहाँ पे पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी, करमावाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे, सजादा नशीन अव्वल बाबा जी सरकार तशरीफ़ फरमा, और जब आपके चेहरा अनवर पर नज़र पड़ी तो दिल ने गवाही दे दी कि यही वो मंजिल है जिसकी तलाश थी। माशाल्लाह। तो आपने दस्ते हक परस पे आपने बैत की, और जाके बाबा जी हुज़ूर से अर्ज़ किया कि हुज़ूर वाला मुझे बैत फरमा लें। तो बाबा जी हुज़ूर अपने मखसूस अंदाज में फरमाने लगे, बेलिया बैत तो तेनों उदों ही कर लिया सी जदों तुसीं घरों टुरे सी। और फिर दूसरा जुमला बाबा जी पीर सिंह मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी की नज़र विलायत और कशफ का आलम यह था कि आपने सारे मामला देख लिए कि आप उरादो वज़ाहिब भी करते हैं, और मादरजात जो चीज़ें आपके पास हैं, और अल्लाह ताला जो तकवा परहेजगारी जहद व तकवा से नवाजा है आपको। तो दूसरा जुमला आपने फरमाया, बिलिया गड्डी ते लैन ते चढ़ी हुई है, असी धक्का ही लाना है ना। सुभान अल्लाह। तो ये बात भी आप की इस बात पे दलालत करती है कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह बैत होने से पहले ही अल्लाह ताला के ख़ास रहमत आप पे थी। तो बैत हुए, फिर पीर साहब ने, बाबा जी हुज़ूर ने बेशुमार आपको मनाजिल तय करवाईं, सलूक के मनाजिल तय करवाईं, और फिर आखिरकार आपको आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, जो कि मियाँ शेर रबानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का पीरखाना है और सिलसिला नक्शबंदिया की बड़ी दरगाह है, वहाँ से आपको खिलाफत अता हुई। माशा, और आपने फिर ये तसव्वुफ़ का सिलसिला अपने मुरीदीन तक और खल्के खुदा तक पैगाम पहुँचाना शुरू किया। तो एक वाक़ा जो तसव्वुफ़ के हवाले से मैं ख़ास तौर पर नकल करना चाहता हूँ कि आपकी तालीमात के हवाले से। जी, आप एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे थे और मुरीदीन भी साथ नमाज़ पढ़ रहे थे पीछे, तो जलजला आ गया। जी, चूँकि तसव्वुफ़ का दूसरा नाम एहसान है, और एहसान का मतलब ये है हदीस मुबारक के मुताबिक कि इस तरह से इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जी बिल्कुल। या फिर ये तुम्हारी कैफियत दिल की हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हें देख रहा है। जी बिल्कुल। तो आप नमाज़ पढ़े तो जलजला आ गया, और इस तरह की हालत में नमाज तोड़ना इजाज़त भी है कि अगर जानी नुकसान का अंदेशा हो, तो वो मुरीदीन और जो पीछे अकीदतमंद थे वो चले गए, और बड़ा शदीद जलजला था, लेकिन हज़रत साहब नमाज़ पढ़ते रहे जैसे आपको महसूस ही नहीं हुआ। जी। और जब जलजला ख़त्म हो गया और बेली अंदर आ गए कमरे में, तो हज़रत साहब से पूछा, सलाम फेरा कि हज़रत आपको मालूम नहीं हुआ इतना शदीद जलजला था? आप फरमाने लगे, बिलिया सानू तो पता ही नहीं चलिया। सुभानअल्लाह। तो यानी औलिया अल्लाह इस हद तक मुस्तगरक होते हैं, वो सही एहसान के इस्म बामुसम्मा थे कि वो अपने जिस्म पे वो कैफियत उन लोगों ने तारी की होती थी। और फिर हज़रत साहब रहमतुल्लाह दुनिया की तमाम चीज़ों से वो मावरा हो जाया करते हैं। और फिर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेलियों के अंदर भी यही तरबियत की, दुरूद शरीफ़ की बहुत ज़्यादा पाबंदी करवाया करते थे, नमाज की बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंदी करवाया करते थे, बाजमान नमाज पढ़ें, और शरीयत और तरीकत की पाबंदी आसानी पे बड़ी सख्ती से नज़र आती थी। तो फिर हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में एक ये भी अंसर है कि आपने नहायत अखलाक के साथ, प्यार के साथ, मुस्बत रवैयों का प्रचार किया, और हर पास आने वाले को अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ और भाईचारे के साथ पैगाम मोहब्बत दिया। यही वजह थी कि बड़े थोड़े से अरसे में पूरी दुनिया में आपके लाखों के हिसाब से जो है वो मुरीदीन, मुतवस्सलीन, मुंतसिबीन, अकीदतमंद, इरादतमंद जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जी माशाल्लाह। मैं इख्तितामी लम्हात में ये चाहूँगा कि आप भी चूँकि सिलसिले के साथ मुंसलिक हैं, तो आप हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को
तसव्वुफ़ की तालीमात पे कुछ इरशाद फरमाएं कि हम लोग, हमारे देखने वाले लोग तसव्वुफ़ की दुनिया में जाकर किस तरह मुस्तफीज़ हो सकते हैं, तसव्वुफ़ की तालीमात से वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए हज़रत, दौरे हाज़र में हमें बड़ी ज़रूरत है बहसियत कौम मिन हैसुल कौम, हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी अखलाकी कदरों को बेहतर करें। आज हर बंदे के अंदर सियासी तशद्दुद है, मजहबी तशद्दुद है, एक्सट्रीमिज़म है, और ये हमारे मुआशरे का नसूर बन चुका है। ऐसे ही बिल्कुल, हम मुतशद्दिद लोग जो है, हमें लोग बाहर की जो कौम है वो मुतशद्दिद मुआशरा कंसीडर करती हैं। ऐसे ही तो हमें अपने अंदर बेहतर बदलाव लाने के लिए सूफिया के तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना होगा और उनकी तालीमात पे अमल पैरा होना होगा और मुस्बत रवैयों को हमें फ़रोग देना है। बिल्कुल। और तशद्दुद सिर्फ ये नहीं होता मारना पीटना, किसी की हक तलफी ये भी तशद्दुद है। बिल्कुल। किसी को गालम गलोच कर देना, बुरी जुबान इस्तेमाल करना, लैंग्वेज इस्तेमाल करना, वो भी तशद्दुद है। किसी की दिल आज़ारी करना, किसी की मजहबी मुकद्दसात जो हैं उनकी दिल आज़ारी हो, उसको मजरूह करना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना, हम में से हर एक बंदे के मतहत कोई ना कोई लोग है। ऐसे ही बिल्कुल। और अखलाक को परखने का मैं कहा करता हूँ पैमाना ये है कि आप देखें कि आपका आपसे निचले वाले तबके के साथ क्या रवैया है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो वहाँ पे आपका रवैया ठीक नहीं है तो फिर आप आला अखलाकी कदरों को अभी छुए भी नहीं हैं। और अगर आप अपने से बुलंद वाले अपने से ऊपर वाला जो तबका है उसके साथ आपका रवैया बड़ा अच्छा है तो फिर आप मुनाफ़त कर रहे हैं। तो हमें आज औलिया के तालीमात पे अमल पैरा होना है। यह तरीकत का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा, हज़रत हातम असम जी। असम अरबी ज़ुबान में कहा जाता है बहरे को जी। आप बहरे नहीं थे। सही है। आपके पास एक मर्तबा एक औरत आई और अपना कोई मसला लेके, तो वो जब आपके पास बैठने लगी तो उसकी रीह खारिज हो गई जी, हवा खारिज हो गई, एक फितरती अमल है। तो वो शर्मिंदा होने लगी, खिफत महसूस करने लगे कि इतनी बड़ी बारगाह वली अल्लाह की और मुझसे ये फेल सरजद हो गया जी। तो आपने देख लिया कि अब ये शर्मिंदा हो रही है, तो आला इकदार अब क्या है जी। तो आपने इस तरह यूं कान पे हाथ रखा और कहा, बेटा ज़रा ऊंचा बोलो, मुझे तुम्हारी जबान तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही। यानी उसको ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं बहरा हूँ और जो तुम्हारे साथ फेल सरजद हुआ मैंने नहीं सुना। सुभानअल्लाह। और उसकी खिफत मिटा दी। और देखिए आला अखलाकी इकदार के वो फिर औरत जब चले भी गई तो आप सारी उम्र बहरे बने रहे कि अगर मैं अब अपनी असलियत जाहिर करूंगा कि मेरे कान और मेरी समाज ठीक थी, उस औरत को जहां भी पता चलेगा कि वो जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया था, वो उनके कान तो ठीक थे, समाज ठीक थी, तो वो शर्मिंदगी महसूस ना करे। आप सारी उम्र बहरे बने रहे और इस वजह से आपको असम कहा जाता है, कानों से बहरा कहा जाता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा करना चाहिए कि औलिया अल्लाह जो है वो किस कदर खशियत इलाही में डूबे होते थे और किस कदर आला अखलाकी इकदार उन्होंने अपने अंदर पैदा की। और हमें भी उन मुस्बत रवैयों को आज फ़रोग देने की ज़रूरत है। और मैं आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर भाईचारे की फ़िज़ा कायम करें जी, ये अपने अंदर से शिद्दत पसंदी ख़त्म करें जी, और एक दूसरे को बात करने का मौका दें, एक दूसरे की बात सुने जी। हजरत साहब किबला हजरत सूफी जिसका रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर तुम किसी बुरे बंदे को अच्छा 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 कहना शुरू कर दो वो अच्छा हो जाएगा बेशक, और अगर किसी अच्छे बंदे को बुरा 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 कहना शुरू कर दोगे तो वो बुरा हो जाएगा। वो सुए लज़ार फिर ते हैं जी। मौजूद नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू आज हमने समाअत की हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद अल्लाह दीता नक्शबंदी साहब से। आपने तसव्वुफ़ और औलिया नक्शबंद की चंद मिसालें आप हबाब के सामने पेश की। आपके ये खूबसूरत अल्फाज यकीनन दिलों को मोह लेने वाले थे कि हम
तशद्दुद के रवैयों को ख़त्म करें, मुसबत रवैयों को जन्म दें, हमारे अंदर की जो शिद्दत पसंदी है वो ख़त्म हो। हम अगर अपने आप को अखलाको किरदार का मालिक जानते हैं तो वो अखलाको किरदार सिर्फ़ अपने से ऊपर वालों के लिए ही ना हो, बल्कि आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आपका अखलाक आपका किरदार वैसे ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊपर बोलें तो आपकी ज़ुबान नरम हो और अगर आप नीचे वाले लोगों से कलाम करें तो आपकी गुफ्तगू में आपकी ज़ुबान में सख्ती पाई जाए। आइए औलिया कराम की इन्हीं तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हम भी मुसबत रवैयों को जन्म दें। हम भी औलिया कराम का जो अमन वाला पैगाम था, अमन के जो मुख्तलिफ पहलू थे, उनको अपने अंदर दाखिल करें, अपनी आल औलाद के अंदर दाखिल करें, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के अंदर दाखिल करें। औलिया कराम का ये अमन वाला पैगाम जहाँ तक भी हम पहुँचा सकें वहाँ तक हम पहुँचाएँ। इन्हीं कलिमात के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अय्यूब अवान को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी वक्त दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ो निगहबान।